अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? पकड़ के लाई आज, देखो मैं पकड़ के लाई। आज मैं पक्का मैंने नहीं पकड़ी, एक्चुअली मेरा भाई मेरे हाथ में खुद आ गया। बोला आपा क्या बोलती मैं, लेकिन आज कुछ बोलती नहीं, मैं आज पूछती। रुको, आज इन लोग देने वाले हैं जवाब। अभी लोगों को लगेगा शौक थोड़ा। मैंने तो ये सोची नहीं थी, तुमने सोची। अब अभी क्या क्या बोलते बाबा तुम लोग खाने? तो क्या वही पीछे पड़ी है, चलो वीडियो बना के बताओ। इतनी अफवाह फैला रहे, अल्लाह ही बचा, इतनी अफवाह फैला रहे, पता नहीं इतनी कहानियाँ कहाँ से आ रही है लोगों के दिलों में, कहाँ से सोच लेते हो, कहाँ से। यहाँ पर ऐसा था कि आपा पूछेगी और जवाब देने का, कब पूछी वो? बटन दबा के रखते तो छोड़ने का जरूरत है ना, ये वो वाला बटन था सलाम की ना। थोड़ा ना आवाज में एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हम लोग ने बहुत कैमरा दूर रखे और हम लोग एक साथ चिल्लाते भी है, बीच में भी खबर पकड़ करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे पास शेरू के लिए, शेरू वीडियो का बारे इसका जवाब नूर देगी। नहीं सोचा था कि इतना लंबा गैप हो जाएगा। देखो गैप लेता है, हम लोग भी पहले जॉब पे जाते थे, सभी लेते। एक जॉब अगर छूटता है या फिर छोड़े हम, तो दूसरा जॉब ज्वाइन करने से पहले ना हम सोचते कि 4-5 दिन आराम कर लेते हैं, और फिर वो 4-5 दिन कब महीनों में बदल जाते हैं नहीं पता चलता है। तो भाई को एक वो स्टार्ट की अभी कमी है, अभी एक स्टार्ट होगा ना भाई का चैनल यानी कि वीडियो, तो फिर वो कंटिन्यू मिलेगा, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज नूर को बोलने दूंगी मैं, पूरा मौका दूंगी, मेरी बच्ची चुप बैठ गए बोल रही थी कुछ, तो भी बोलूंगी और सबको बोलूंगी और छोड़ूंगी, मैंने जितनी फालतू की बकवासें की गई है वो सब निकालूंगी। क्यों वीडियो नहीं डाल रहे थे तुम? ये तो उसके बाद नहीं डाला। अपना पैर सही हो गया, पैर सही हो गया, दूसरा फुटबॉल खेलने जाएगा, बिली मार लेने गए बाइक पे। तो दूसरी बात ये थी कि मम्मू के भी ना चेहरे पे ऑयल उड़ गया था, अपने ना फैमिली में थोड़ा, फिर मेरे भी दांत के वादे चल रहे थे, मैं बोली ना दो चार चीजें एक साथ चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट नहीं आता कि चलो यार ऐसे माहौल में। हाय गाइस, कैसे हैं आप? लेकिन नहीं समझ आता ना, इधर नहीं समझ आता। तो हमें आज पहले मैं तुम लोग से नहीं पूछ पाऊंगा, मैं तुम लोग से नहीं पूछ पाता था कि कैसे आप सब, क्योंकि मेरे खुद के वादे लगे। आप लोगों ने देखा होगा बर्थडे में भी शेरू ज्यादा बात नहीं किया था, लेकिन रमजान में भी अपन ने तुम लोग फोटो डाल रहे, लेकिन वीडियो नहीं डाल रहे। हमने मजे किए अच्छे खासे, बस मतलब बोलते ना हालत थोड़ी सी मेरे की, यूसुफ की, मम्मू की, मेरी खुद की थोड़ी ऐसी ऐसी चल रही थी, जिसपे मेरा सबसे सिंपल मोटिव तुम लोगों को पता है कि मैं एंटरटेनमेंट ऐसा देना चाहता हूँ जिससे लोगों के चेहरे पे स्माइल है, हंसी खुशी है। मैं अपने सैड मोमेंट वैसे ही शेयर नहीं करता, वो शुरू से बोलता सैड मोमेंट में मुझे मजा नहीं आता है, मैं हंसते करते रहता हूँ तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा मूड खराब रहता है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरा बच्चा बीमार रहता है, मेरी औरत बीमार रहती है, या घर में कुछ किसी को तकलीफ रहती तो मुझे वीडियो नहीं बनाए जाते, उसका पहले से ये बोलना है। और आज भी वो वही बोलता है, अब उसके बच्चे के चेहरे पे थोड़ा सा फेल उड़ गया था हल्का सा,
इसके पैर में प्लास्टर लग गया था, उसका पूरा मुंह 15-20 दिन से सूजा हुआ था, वो कैसा चीरा वो उसको मालूम। अब यहाँ पे ना जबरदस्ती ना नहीं जबरदस्ती ना सूजे लगाने की आदत पड़ गई है सबको। जबरदस्ती सबसे पहली बात ना जो सबूत मांगते ना उनसे मेरी एक गुजारिश है, आपको हम पे यकीन नहीं है तो प्लीज कोई मतलब नहीं जुड़े जुड़कर हमारे साथ। अब भाई बोल जो सबूत मांगता है ना, तो गाइस मैं यहाँ पर ना कोई चीज साबित करने नहीं आया, मेरा मोटो ही यूट्यूब पे आने का ना पहली बात है ना, ना पैसा कमाने के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उससे उसके बाद दूसरा उतना खर्चा भी नहीं, बैग के खा रहे ऐसा है, तो मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि महीने में वीडियो नहीं किया तो भी कुछ नहीं आया, बैठे बैठे भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नहीं मोटो क्या मालूम यार, जितना बुढ़ापे में मैं और नूर ऐसा बैठ के जो हमारे में ताकत नहीं रहेगी बदन में कि यार चल क्या करेंगे, एक काम करते पुराने वीडियो ही देख लेते, तो वो टाइम पे मेरे वीडियो ऐसे रहना चाहिए कि मैं खुद देख के हंसू, ऐसे नहीं कि अरे यार ये फालतू गिरी बना रहा था कमाल यार, ये मेरा वो है गोल कि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने हैं कि मैं खुद देख के वो खुश हो, तो बाकी मुझे सैड स्टोरी नहीं शेयर करनी है यार। हो गया भाई मेरा दिल का हाल। अभी ये चेनू के दो मेन क्वेश्चन थे वो मैं पूछूंगा नूर, मैं तेरे से क्वेश्चन नहीं पूछूंगी तेरे, अच्छा तेरे मन में जो है सब बोल। अगर मेरे को दूसरी शादी करनी रहेगी ना मैं फिर से नूर से करूंगा। वो हम लोग है ना 10 साल की एनिवर्सरी रहेगी ना हमारी, हम सब करेंगे ठीक है वो। और ना बहुत से कमेंट्स है मैंने ना बहुत सी पढ़ी पढ़ी, फिर हम लोगों ने क्या आपा को बोल रहे अरे क्या हो गया हमारे चैनल, क्यों आपा को बोल रहे, और मैं बेचारी नहीं हूँ यार, कितनी बार बोली मैं बेचारी नहीं हूँ, स्ट्रीट फूड जाएगा मैं भी धरना लगी वीडियो क्यों ले मैं क्या जवाब दूंगा। हां यार ये चीज मत करो, क्या है ना मालूम क्या मायने ना खुद के हो गया, अलग मेहनत कर रहा हूं मैं, अलग मेहनत कर रहा हूं, बर्थडे का केक नहीं देते स्ट्रीट फूड जाएगा की रेसिपी में देखने, एक हैंडल होता है अकाउंट हैंडल वो स्ट्रीट फूड जाएगा का अब मेरे हाथ में ही है, भाई का अकाउंट भाई के ही हाथ में। यहां पर एक सवाल उठता है कि तुम जा रहे थे तो बोल के चले जाते ठीक है, अब एक मेरे को सिंपल से सवाल का जवाब तुम लोग के पास है लेकिन मैं खाली याद दिलाता हूं कि अगर मैं कुछ नहीं डाल रहा हूं तो भी असम्पशन इतने सारे हाँ। और मैं डालता हूँ ना कि ये रीजन की वजह से मैं जा रहा हूँ तो मैं झूठा बन जाऊंगा, बोलते ना यार ये तो झूठे बोलते ना भाई, मेरे को झूठा तो नहीं बनना एक बार ऐसा तुम लोग आसम कुछ भी कर दो है ना, बोल दूंगा उसके बाद फिर भी तुम बोलोगे नहीं ये तो झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे, तो यार क्यों बताओ एक बात दूसरी मेरी शिकायत है, मैं शिकायत है तुम लोगों से उनसे नहीं जो मुझे नहीं पसंद करते, कितने दिन को बनाऊंगा ये, मैं सबके दिल पे अपना राज नहीं कर सकता, मतलब जो अच्छे से मोहब्बत करते हैं मुझे उनसे मेरी शिकायत है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनसे ना मेरी सालों से बात होती है सलाम दुआ होता रहता है, पुराने सब्सक्राइबर उनमें से भी कई लोग के तुम्हारे बारे में कोई ऐसा बोला क्या ये सच है जवाब दो, ये तो तुम ना ही बोलोगे तो साबित करो, तो गाइस
तुम ये जो चीज कोई बोल रहा ना उसको बोलो कि तुम ऐसा बोल रहा हो, साबित करो, साबित करो, क्योंकि कोई कुछ भी बोल सकता है, तो उसका मुझे मत बोलो कि मैं दस चंदा साबित नहीं करना चाहता। वही हुआ था मेरे केस में, 50 बातें और मेरे चैनल पे एक कमेंट आके नाजवाजी से साबित करो, जो बोल रहा ना उसको बोल देगा साबित करो। अम्मी से लड़ते, सीनत से लड़ते, घर में लड़ते, लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे या फिर मैं बोलती कि मेरे लिए आपा को चिल्ला रहे हैं, मेरे लिए आपा को बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं ये बोलना चाह रही थी कि अभी पहले भी एक कमेंट आया था, अल्लाह उन लोगों को देख हिदायत दे, मेरी बच्ची के बारे में कमेंट्स करे थे कि जीनत की शादी हो गई, दूसरी शादी हो गई, घर में नहीं दिख रही, भाग गई, शायद लगता दुबई चली गई, और कमीने लोगों ने एक कमेंट ऐसा आया था, मैं उसको बोल रही हूँ कमीनी क्या नीच होगी, वो मेरे कलेजे से ना बद्दुआ निकलेगी, तुम्हारी बेटी का क्या इंतकाल हो गया है, क्या उसको दफना क्या गए, अरे अपनी औलादों को दफना दो, मेरी बच्ची को हयात दे परवरदिगार, क्यों इस तरीके के नालायक कमेंट करते हो, किसी माँ की हाथ खाली नहीं जाएगी, माँ है ना, माँ होती है, मैंने पहले बोली थी 2 महीने के बच्चे की माँ हो या 2 साल के बच्चे की माँ हो या 20 साल 40 साल की, मेरी बच्ची के लिए एक कमेंट कर रहे मेरे इस पे, क्या बच्ची का इंतकाल हो गया है, और मैं मेरी माँ के लिए बोलूंगी मेरी माँ को हाथ में चोट लगी, कोई तरीका होता है कमेंट करने का, अच्छे सब्सक्राइबर के कमेंट, मैंने सोचा था कि रमजान में शैतान सही में क्या, नहीं ऐसा लगा खुल गए, मैं वो अच्छे सब्सक्राइबर मैं चैनल पे जो आती भी हूँ ना, मैं अच्छे सब्सक्राइबर लोग के लिए आती हूँ, क्योंकि देखो बुरे कमेंट वाले लोग तो स्टार्ट से लेकर एंड तक कहीं ना कहीं तो होते ही है, पूरी जान लगा दो उसके बाद भी कहीं ना कहीं आ ही जाते, तो वो झूठ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, वो झूठ लोग को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो झूठ जो आके कमेंट करते उन लोगों के लिए हम लोग कोई सफाई नहीं देना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, मैंने सिर्फ एक कमेंट्स के लिए बोली जो मुझे असर हुआ था, तो मैं इसके लिए वो बोली, बाकी तो ऐसे ढेरों कमेंट करते हमको झूठा जो भी एक्स वाई जेड के फरेब है, बेवकूफ बना रहे, तुम उनके वीडियो को जरा और से देखोगे ना तुमको पता चल जाएगा कि कितना बेवकूफ वो खुद बना रहे थे, लेकिन कोई नहीं, अब आप दूसरा आज ना मैंने सिर्फ कैमरा खोल ली थी, क्योंकि आप लोगों को ये तकलीफ है ना कि कोई बोलता नहीं, जवाब नहीं देता, अब ये सवाल बोलते के बोलते नहीं, मुंह बंद करके बोलेंगे तो कौन सा बोलते, तो भी बोलते कि तुम लोग क्लियर करने आ गए, तुम लोग मैं बोलूँ अभी बताएंगे, फिर से एक और बार हेटर्स को भी और प्यार करने वालों को भी, लेकिन मेरे को पता है सलाम का जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि ये लोग ना लाइक ही नहीं है, अच्छाई ही नहीं है, दूसरी बात किया मैंने, और मेरा एक और है बात कि लोगों ने मुझसे बोले कि आपने वीडियो क्यों, मेरे को मोहब्बत वाले ही आए ज्यादातर जो पर्सनल डीएम आए, मैं पर्सनल डीएम ही देखती थी, फालतू कॉमेंट्स पे मुझे इंटरेस्ट नहीं होता, तो जो मुझे अपने पर्सनल कमेंट करते उन लोगों ने मोहब्बत भी पूछा कि आपने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, आप उदास हो, ये हो वो हो, उनको लग रहा है मैं उदास, गाइस देखो ऐसा है, मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए थे और मेरे वीडियोस अच्छे चल रहे थे, मैं उदास नहीं हूँ, दूसरी बात मैं अपना रमजान बहुत ही अच्छे तरीके से इबादत में गुजारना चाहती थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुजारा, दूसरी बात कहीं ना कहीं इंसान हूँ, कुछ चीजें बुरी लगती है जो लगी ठीक है, उसके बाद अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे मुझसे कई ऐसे लोगों को दिखाया मेरे सामने जो बहुत तकलीफ करते हैं जिनसे आप लोग की बाकी को ठीक है, तो उन लोगों को देख के अल्लाह ने मुझे इतना समझ दिया कि मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जो हुआ नहीं हुआ मुझे आज की तारीख में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अफसोस है की बात करें जिन्हें सही में दुआ नहीं है आया और मैं अपनी लाइफ में बहुत सही हूँ, खुश हूँ, और अब मैं वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा तुम लोग को एक गुड न्यूज दे दूं मैं,
जिन्हें अभी हम लोग के साथ रहती है सेटल हो गई है। सवाल था और दूसरी बात मैं बोल रही थी मैं भूल गई लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगी इसको भी तो चाहिए तो बाद में ऐसा कर लेना। तो मेरा ये था कि गाइस मैं वीडियो बनाऊंगी वापस से अभी से शुरू करूंगी और जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बनाऊंगी। और मैं एक बार कहता हूं आप अच्छे कमेंट करो बुरे कमेंट करो आई डोंट केयर। मैं वीडियो बनाती हूं खुद के लिए मुझे अच्छा लगता है। देखो हकीकत बोलना तो वो कमेंट करने का हक हमने आपको हम चाहे तो वो बंद कर सकते और वन मोर थिंग उससे हमारी अर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है। वो हमने इसलिए रखा है ताकि जो हमारा आपके साथ एंगेजमेंट हमारा आपके साथ जो एंगेजमेंट है हम आपको समझ पाए ठीक है उसके अगर कुछ कुछ कमेंट ऐसे होते हैं समझने के ऊपर वो कुछ लोगों को अपन नहीं चेंज कर सकते वो गिनती में ही मतलब होना कुछ लोग थे जो नहीं पसंद करते थे अपने को उल्टा पुल्टा बोलते थे आज वो सुधर गए हैं अल्लाह ने उनको तौफीक दे दी आज हमारे अच्छे वाले हैं बोलते हैं। तो वक्त के साथ देखो शैतान के अंदर भी इंसानियत आती है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते वक्त है। मैंने हकीकत में बोल रही हूँ जिन लोगों ने इतने एफर्ट्स डाले मेरे लिए मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहुत लोगों ने एफर्ट्स डाले मेरे लिए बड़े बड़े वीडियो बना के। मैं बता दूं आप लोगों को मैंने आप लोगों का एक वीडियो नहीं देखा इसीलिए उसका कुछ भी इफेक्ट मुझे नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रही ना कि जो लोग हम लोग नेगेटिव वीडियो बनाते थे वो जो आज पॉजिटिव बनाते हैं लोगों की अच्छाई वापस एक बार थैंक यू बोलते हैं आज टॉपिक पर हम लोग पूरा मिलके थैंक यू बोलेंगे। मैं तो उनको भी थैंक यू बोलूंगा जैसा तू बोली हां नेगेटिव वीडियो के लिए भी कि आपकी वजह से पता चला आज दिन के साथ सही बात है सही बात है बात तो सही है। मेरा एक ही मानना है कि बाहर वाला ना आज मेरा दुश्मन है कल को वो मेरे साथ होगा कि नहीं होगा पता नहीं अच्छे अच्छे दोस्त नहीं रहते जिंदगी में। अरे बाबा जो मैं बोल रही ना हेटर्स है जो बुरे कमेंट्स करने वाले कभी उनको गले नहीं लगाए कभी उनके हाथ नहीं कभी उनके सर पे हाथ नहीं रखी कभी उनको कलेजे से अपने मुंह का निवाला नहीं खिलाए लेकिन रिश्तेदार को कभी गले लगाए है उनको शफकत से प्यार करे है तो उनका असर होता है। अरे कोई कोई तो ऐसे दिन मैं बैठ लगा रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता हाँ शरद लगा रहा निकले महीने में शरद लगा रहा ये हो ही नहीं सकता। और एक और खास बात ऐसे ऐसे लोग है ना वो नेगेटिव वीडियोस के नीचे ना हमारी ना खबरें दे रहे वो भी अफवाह दे रहे जो कि वो कंफर्म वो खुद सही है नहीं है गलती कर बैठे यार आईडी नहीं छोड़ दी कोई बात नहीं बोलते ना बोलते ना नहीं नहीं अभी 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 नवी नवी आईडी बन रही है चलेगा आज से हैकर क्या करता है सच सामने आ गए गद्दार पकड़ेगा गद्दार पकड़ेगा गद्दार ये तुम्हारी फतह नहीं नहीं सलाम इसमें इसमें मुझे एक बात बोलना है कि गाइस देखो अब उनसे हम गले नहीं मिलेंगे ना एटलीस्ट मैं जो बात बोलते बोलते अब हमको ये वाली बात सकते हैं बारह बजे सब मिलते हैं सुनो मैं बोल रही थी मैं बोलते हुए चले थे पहली बार मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है हर हाल में इनको मुझसे कोई शिकायत नहीं है काफी है ठीक है दुनिया करे। दूसरी बात लेने के लिए दूसरी बात तेरी दूसरी बात कब की खत्म हो जाएगी इसी के रिलेटेड मेरी दूसरी बात मेरे जो 15-15 साल मेरे बहुत सेलेक्टिव फ्रेंड्स है 15-15, 14-14 साल पुराने वो मेरे साथ आज भी है उन्होंने शिकायत तो दूर की बात एक सवाल भी नहीं किया मुझसे क्यों करेंगे नहीं रहे वो लोग मेरे साथ है काफी है। फिर दूसरी बात तीसरी बात इससे जो ये दो चीजों के अलावा एडॉल्ट एक्स्ट्रा में भी लोगों की मोहब्बत मिलती है जो अनएक्सपेक्टेड है। अल्लाह उन सब सब्सक्राइबरों को बहुत अच्छा रखे परवरदिगार इतना टाइम मैंने गैप लिया उसके बाद भी लोग मुझे सलाम दुआ करके खैरियत देते हैं पर्सनली इसके कमेंट में इसके चैनल पे आज भी कमेंट आते हैं चालू करो ना तो तैयार तो मैं इतना शुक्र गुजार हूँ कि जो चीजें तो मेरे पास थी उसके अलावा भी चीज आई और जो बैड आई कसम खुदा की मैंने एक ही देखी मिल गया जवाब नेगेटिविटी लोग को नेगेटिविटी छोड़ दूंगी आज की जो खुशी है ना वो नेगेटिविटी के सामने ना अलहमदुलिल्लाह आज जो खुशी है ना हम लोग जो मैंने आज के लिए साहबों की बात की थी
आज वो सपोलों के सांपों के साथ सपोले भी सामने आए, एक्चुअली सामने आ गए। बहुत दिन से हम लोग वो थे कि ऐसी अफवाह हमारे बारे में फैला हुआ, सपोलों के फन भी निकल रहे नहीं, तो अच्छा लगा देख के कितने छोड़े। ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आपके सामने किसी, अरे खुशखबरी और है, वो याद बताएगा आप लोगों को, आधे लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन हम लोग हो सकता है इसके लिए होती है, हमारी भी मतलब हमारे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, तो हमने 14% चार्जिंग करके लेके आई ताकि बाद बीच में नाटके। तो मैं ये कह रही थी कि सबने अपने अपने पॉइंट रख लिए, अब हमारे रियाज भाई क्या ही पॉइंट रखेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट रखो, क्योंकि उनसे खास सवाल आते ही नहीं है, कंट्रोवर्सी का हिस्सा ही नहीं हमारे भाई, एकदम ध्यान दे, वो भी नुक्ता मतलब तेरा भी बाहर रखे तो वो भी कॉपी होती है ना, ऐसे थोड़ी होता है यार। माहौल कुछ ऐसा चल रहा है हेटर्स लोग को लेके, भी बात आई गई हेटर्स पे, मैंने कभी सोचा नहीं था, एक भाई अपनी फैमिली में रहना मतलब मेरे रहना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई अपने भी कभी हेटर्स बनेंगे, लेकिन वो इतना अल्लाह का करम जिस पे रहेगा, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्ट्रीट फूड पे तो नहीं, हेटर्स क्यों पैदा हुए, अपन ऐसे लेवल पे पहुंचे तब जाके हेटर्स भी ऐसा बोलते ना मेंढक के ऐसा पानी में उछलते वैसे उछलने लगे, तो इसी में ना एक खुद ना खुशी आती रहती, मैंने कभी भूल गया मेरे बहुत कम लोग समझेंगे बात, पीछे कर देता हूँ, किसी को तो टैटर करते हुए बोल रहा है, नहीं कैसा ना हेटर्स किसके बनते जो भाई सक्सेस पे पहुंचते रहते हैं, और हेटर्स पैदा होना मतलब बंदे का सक्सेस चालू होना, ये बात आप लोगों को सभी को पता है, क्योंकि अल्लाह का भी फरमान यही है कि जहाँ तुम्हारी बुराइयां हो रही है समझना कि तुम्हारी सक्सेस हो रही है, बुलंदी पे आप चढ़ रहे हो भाई, आज ही एक बहुत अच्छी अम्मी भी एक टाइम था हम लोग स्ट्रीट फूड जगह पे नहीं थे, और अम्मी टीवी में लगा के रेसिपीज के वीडियो देखते थे, तो उसमें से एक टाइम अम्मी वो भी खाना हमारा फेवरेट, उसके भी वीडियो देखते थे, रणवीर बरा। तो आज क्या हुआ, कल मेरा सेम टाइम मतलब कमेंट कर रहा था, तो उसमें कमेंट्स आया कि ना भाई आपका वीडियो भारतीय मुझे याद भी नहीं कि भारतीय तो एक चैनल है उसमें ना, हाँ अपना रणवीर बरा ने आप लोग के बारे में कुछ बोला है, उतने में भाई का मुझे उसका लिंक आया, और नीचे ना मैंने लिंक था ओपन कर दिया, बट मुझे कौन से टाइम पे वही नहीं मालूम था, तो भाई ने मुझे टाइमिंग भी बताया कि ये टाइम पे देख भाई स्ट्रीट फूड जाकर के बारे में बात की है, मैं फटाक से ओपन किया, और भाई सही में वो रणवीर बरा शेफ रणवीर बरा ने हम लोगों के बारे में यानी कि स्ट्रीट फूड जगह के बारे में दो चार शब्द बोले जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बाकी है मेन बात यह है कि ये चीज से और मिर्ची लगेगी, इज्जत देने वाली थी जिन्होंने इज्जत, तो मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि बोलते तो भाई जिसको जो बोलना है अपना अल्लाह के साथ अपना अलग कनेक्शन है, तो अपन ध्यान नहीं देते जो जिसके साथ जैसा हो। दूसरा एक और बात मैं जो अम्मी के रिएक्शंस को लेके अजम्पशन करते हैं मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक कैरेक्टर्स होते ना अलग अलग, तो अम्मी का रिएक्टर मतलब हर चीज पे फेशियल एक्सप्रेशन आता है, फेशियल एक्सप्रेशन हाँ कैसा है कि नॉर्मल रहेंगे भाई, बुरा भी लग गया तो नॉर्मल रहेंगे, हंसी भी जल्दी आती है अम्मी, वैसे हंसते के सबसे से जल्दी फास्ट अम्मी का ऐसा है भाई को अभी की बात बताती हूँ, अभी नहीं कर रहा था अभी कुछ बात नहीं ना मैटर, वो तो सुन रहे थे ये मेरा ऐसा कर लेती थी ऐसा, अरे बाप रे अरे बाप रे ऐसा भी फसाना हो तो उसमें क्या होता है अम्मी जब हमारे साथ ब्लॉक में रहते ना उनका रिएक्शन तभी भी आता है, आपा के साथ रहते ना तभी भी आता है, यश के साथ रहते ना तभी भी आता है, लेकिन है ना तुमने भी गड़बड़ कर दी मालूम क्या, सिंपति बेस पे चले जाते हैं तो रिएक्शन को तुमने नेगेटिव ले लिया कि अम्मी देखो फेशियल ऐसा ऐसा है वैसा है, एकदम नहीं है, अरे अभी लेबर्टी अम्मी क्या आजम के बर्थडे में भी किसी ने बोला था क्या बोले घूम के देख रहे नूर को ये, अरे माँ इतनी बिचारी बना के रखी, जितनी लेबर्टी अम्मी के राज में ना नूर को मिली है ना मेरा खुद के राज में नहीं मिले, अरे बाबा नहीं मैंने देखी थी इसको ऐसा मेरे को क्या हुआ था मैंने तैयार करने भेजी थी ना, मैंने बोली थी आज पूरा डायना पेन के आई, हमने को लगा था पेन के आई,
आप नीचे आई ना तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, बुरखा पहनी हुई थी। अब बुरखा जाके उतरा मंडप में, तब मैंने इसको ऐसा देखी। मैंने बोली थी ना हार पहनने के लिए सोने का, बॉस अरे क्या सास घूर के देखी है, अरे भाव को घूर के देखी। अरे अल्लाह तुम्हारा ऐसा पापा के बर्थडे में बच्चे की बर्थडे की विशेष छोड़ के पूरा अपसेट एंड शेर हुआ था। किस तरह से ये बात भागी? अरे ये सब चल रहा है। अरे भाई क्या हुआ, हम लोग मस्ती मजाक करके यहाँ से एक सेकंड नहीं साथ में भी नहीं अलग अलग थे। हमें जज मत करो, आप अपनी मेंटेलिटी को अलग अलग तुम लोग को दिखा, लेकिन तुम लोग को ये नहीं दिखा जब नूर का इंट्रो में तो उसने ऐसा ऐसा किया ना वो कैमरा नहीं पकड़ा। हाँ। वो मुझे करी थी। और एक स्पेशल बात उस दिन वो थी, ये भाई के दोस्त लोग कभी जो आते थे फंक्शन में, उस दिन भाई के दोस्त लोग पुराने भाई इतना खुश था ना वो दिन के भाई को वैसा एंजॉय करने मिला, तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है कि भाई भाभी से मेरे को आपने बोली कि देख फ्रेश फ्रेश माहौल है इंट्रो बना के दे दे, तो मैंने ना पहले तो नूर और यूसुफ को छोड़ा, लेकिन मेरे बीच में भी देखो दादा मम्मू यूसुफ नूर भाई के करीब, फिर इंट्रो भी बनाया, फिर एडिट भी किया, उसके बाद दोस्तों के साथ मस्ती, फिर मेरी मस्ती भी की ना ब्लॉग में। तो ये तुम लोग का एक प्रॉब्लम पता है क्या है कि प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे अजम्पशन में, और उसकी मैं दाद देता हूँ। निकाला हो और एक देने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दे देता हूँ, साथ देता हूँ। जो मैं यूँ करके ना मैं जीनी पे भी गुस्सा है, जीनी को भी ऐसी देखी, क्या रहता बोली थी ना क्या उसको, अरे गुस्सा कर लिया, अरे ऐसा देखी, अरे दूर दूर बैठी थी नूर तो ऐसी अलग अलग बैठी थी, कुछ भी बोलते सही में हम लोग ना खुद हंसते कमेंट पर। हाँ बोले ना देखो सही बोले ना, ये सिलसिला कितना टाइम चला रहेगा, ये जो नेगेटिव हेटर्स वाले, अरे हम लोग हंसते थे पहले, छह महीना तो चला रहेगा ना, शायद स्टार्टिंग के 10-15 दिन एक महीना बुरा लगा रहेगा, छह महीना किसी को नहीं स्ट्रीट हो गया, ये वो चले आएगा चिंटू एक काम है ना, एक काम की तकलीफ ना आपको दो दिन होगी, दूसरे दिन के बाद दर्द ना सेटल होते जाए, समझ में? मतलब कैसा था वाली क्या हम लोग का ना सब अच्छा होगा, अपने को बराबर टाइमिंग देखो, सब जब अच्छा हो रहा था ना, हम लोग घर में शक्ति है गाड़ी भाई अपनी दूसरी दुल्हन लेकर आया, अपने पैसे से लेकर आया, फिर भी उसके ऊपर लाछन लगा के भाई वहाँ से पैसे उठाया, बहुत सारा दहेज देखे बैठे, तो मतलब असम्पशन की दाद देना पड़ता है। प्रॉपर बोला हूँ की अलहमदुल्ला से ये मेरी मेहनत के पैसे, अभी देखना ठीक है, हैदराबाद की शादी में अपा थे, जिनको पता है उनको पता है, लेकिन झूठ बोलने वाले को अफवाह फैलाने वालों के लिए नहीं थी, ठीक है, व्यास की शादी सभा से हुई, लेकिन झूठ बोलने वाले अफवाह फैलाने वालों के लिए शादी बराबर, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे के नूर छोड़ के भाग कहीं दुबई चले गए, अरे तुम करो इमरान को लेके, इमरान बहुत अच्छा दोस्त है हम लोग का, लेकिन ये जो हम लोग के साथ 4-5 महीने साथ में था ना वो, तो वो एज अ दोस्ती में एज अ रिलेशन में नहीं था, जॉब पे था वो, हमारे साथ जॉब पे था, एज अ जॉब पे रखा, तो अभी क्या हुआ जहाँ पे वो हम लोग के साथ जॉब पे था ना, उससे पहले जहाँ पे जॉब पे था ना वो छोड़ के वापस वहाँ गया, हाँ भाई मैं जा रहा हूँ मुझे सैलरी बढ़ गई, मैच खेलने साथ में आता है कि हम लोग बाहर जाते हैं वहाँ पे भी साथ में रहता है, लेकिन जहाँ हम लोग का शूट का प्लान रहता है वहाँ वो नहीं आ पाता है क्योंकि उसका टाइमिंग थोड़ा अलग है, तो अभी भी मिलना जुलना है, घर पे भी आना जाना है, लेकिन शूट नहीं बन रहा है जाएगा कि अंदर में तो लेके शूट नहीं करवाया, वो हम लोग के साथ जॉब पे था। और बात रही अनस की, कुछ लोग ने जिन्हें आपा को भी लेके बोल दिया कि अनस से इसकी शादी, अरे नहीं भाई वो तो इतना छोटा ना कि अभी उसका 20 चल रहा है, 21 भी नहीं खत्म हुआ, और बहुत अच्छा दोस्त भाई जैसा है, एकदम भाई और वो ये दोनों मुझे जीनी आपा बोलते हैं, मैटर क्या मालूम क्या, देखो अच्छी बताओ ना ये सब लोग है ना व्यूज के लिए कर रहे हैं ताकि उनका चैनल मॉनिटर रहे, और इन लोगों को बोला भी ये लोग अपने अपने पे वीडियो नहीं बनाते तो उनके खुद के वीडियो नहीं चलते, ये उनको मालूम है, इस बात का बनाते हैं, मैं लेकिन हम लोग चैनल से प्रॉब्लम नहीं, जो व्यूअर हम लोग को देखते हैं हम लोग पे विश्वास करते आगे बढ़ते, मेरा मसला क्या मालूम क्या, ये देखो जब YouTube पे मेहनत करोगे ना तो अल्लाह मेहनत का ना असर देगा,
लेकिन ये मैंने पहले भी बोला था जब नहीं हम लोग एक सीरियस वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि ऊपर वाला भी आपको दो रास्ते देता है सही और गलत, आप डिसाइड करो कि आपको कैसे जाना है, हमने हमारा डिसाइड किया। आप हमसे बोल सकते हैं कि हम लोग ना कभी किसी की बुराई करके आगे नहीं बढ़े, हम अपनी मेहनत। मैं बोलूं अभी एक बार, और एक बार जाते जाते भी मैं यही कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तेदारों से बढ़ के हमारे लिए सब्सक्राइबर इस बात की मिर्ची लगती है हमारे रिश्तेदारों को, हमारे रिश्तेदारों से बढ़ के हमने अपने सब्सक्राइबरों को पहचान दिया और प्यार दिया। अच्छा ये रिश्तेदार इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा ना नजदीकी रिश्तेदार है ना पकड़े गया है, तो इसलिए रिश्तेदार चल रहा है। लेकिन जाने दो, हम वो चीज का ज्यादा नहीं बनाए, वो इसलिए बनाए क्योंकि कैसा हो गया मालूम क्या, कुछ लोग जो नेगेटिव कमेंट्स बना रहे हैं, हेटर्स लोग हमारे वीडियो बना रहे हैं, तो उनके कमेंट्स में जाके हमारे खानदान के बारे में ऐसा बताएंगे वैसा बताएंगे जो कि अफवाह थी। लेकिन है ना खाली हम लोग को ये था कि यार कौन है कहीं ना कहीं तीन गाइस। देखो मैं एक चीज बोलूं, मैं बोलूं पहले आगे, अगर आपको कभी कोई निगेटिव कमेंट या वीडियो से अगर आप लोगों को हमारे को ऐसा लगता है कि हम झूठ बोलते हैं, हमने रखा नहीं बोल रहा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट है आके हमसे सबूत नहीं मांगना, उन्हीं से मांगना, क्योंकि हम लोग खुश है, हम लोग आप लोगों को अच्छा सबूत के साथ देंगे ना, जब सबूत के साथ देंगे ना तब मेरे से आना पूछना भाई वो सबूत के साथ ऐसा ऐसा बोल रहे, अब आप अपनी बात रखो सब शायद हो सकता है, मैं बोल रहा नहीं मैं पक्का रखूंगा शायद मैं रखूंगा अपनी बात, लेकिन जब तक कोई हवा में बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, ठीक है मतलब वही बात ले रहा हूं। आपका एक बड़ा लड़का है जब सबको लग रहा था कि उन लोगों की हरकतों के बाद हम लोग स्ट्रेस में ज्यादा है, गाइस हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं, रमजान मजे कर रहे हैं। मैं देखो एक दिन वीडियो बनाया ठीक है, फिर भी चर्चा रहा, ये बहुत बड़ी बात है, फिर भी चर्चा, फिर भी बड़ी बात है, कोई बात है तो भी तो बात है, वो वाला है पूरा महीना डेढ़ महीना वीडियो नहीं बनाया, इसके बाद भी चर्चा, ये कमेंट नहीं है, नहीं नहीं भाई चीज यहाँ पर अल्लाह ने बख्शा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, तो जो कुछ लोग सोचते ना क्या आप कमा रहे इसके लिए ऐसा कर रहे हम कर रहे तो ऐसा हो रहा है, वो वाली बात रहेगी तुम लोग की। अच्छा चल रहा था ना तो लोगों को ना खटका, कई लोगों को खटका, हेटर्स नहीं है, वो टाइम पे ऐसा था कि कोई तो इनके बारे में गलत बोले हमको सुनने का दिल से सुनने का, गलत हो नहीं कुछ तो गलत था, इसका जवाब तू ऐसे क्यों है, क्योंकि आज की लाइफ की रियलिटी है कि एक घर में दो भाई भाभी माँ बहने ऐसे साथ में नहीं रहते, तो लोगों को ये सच्चाई हजम ही नहीं हो रही है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे माँ बाप की परवरिश है, क्योंकि जब हमारे पास इतना कुछ नहीं था ना तब भी हमारे माँ बाप ने एक एक रुपया जमा कर लिया, हम लोगों को रमजान के लिए करने की आदत डाली है, तो ये तब का बॉन्ड है जो आगे चल के और स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ बोल रहा है ना बहुत है, लेकिन जिसको बोलने का ना अब उसको सामने बोलो, समझ रहे ना, लेकिन नहीं आ रहे फट्टू, इसलिए बोल रही आगे आज देखो मैं आप लोगों को, हम लोग ना आप लोगों से प्यार करते हैं, आप लोग से प्यार, हम लोग के सामने वो मुद्दा अभी नहीं रखूंगा, एकदम गरम गरम कबाब खिलाऊंगा तुम लोग को वो मुद्दे का, लाइव 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 पकड़ेंगे लाइव हिसाब से क्या हाल हिसाब, मजा आएगा कि नहीं कि आपने अपराधी को ऐसा कंट्रोल करके पकड़ ली, बंदे हो यार बंदे हो भैया, हां उसके बाद उसका लाइव वीडियो बना दी, क्या बोल रहा है आज के बाद ये हो सकता है कि झूठ सच आगे आ सकता है आप लोगों के, मेरे को ऐसा लगता है झूठ सच आ सकता है, लेकिन वो झूठ सच में आप लोगों को कितना ये वो लोगों की गलत फहमी होगी कि आप हमारे खिलाफ वीडियो बनाओ अगर हमको अरे मैं हम लोग को बुरा लगेगा बिल्कुल बनाओ, कैसे पता चल रहा हूँ मेरी दूसरी शादी की कमेंट फैल गए मेरे को, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारक हो हम आपके लिए बहुत खुश है, अल्लाह आप लोगों को जबान मुबारक करे, क्या मेरी बेटी की दूसरी शादी कराऊंगी, कराऊंगी बहुत शान से कराऊंगी और अच्छे से कराऊंगी, एक तो जीना दीदी प्लीज वीडियो बनाओ ना हमको भी देख लीजिए आपने क्यों नहीं बनाई दूसरी शादी में, अरे मैं बोली ये कैसे कमेंट आ रहे, फिर मैंने देखा अरे अजम्पशन करने वालों की सोच देखो और उसमें बिलीव करने वालों को मेरे को थोड़ा सा हुआ है कि ये बाबा बोलने
सोचेगा अरे यार अपना झगड़ा चल रहा है, अरे यार यूट्यूब पे सब ऐसा बोल रहे हैं, चलो क्लियर करते हैं, चलो क्लियर करते हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए बोले बोले सबूत दो, हमारे नहीं दे रहा सबूत। अपन हेटर्स के बारे में तो दबा दबा के बोले, लेकिन बहुत से लोग अपने सपोर्ट करने वाले। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, मुझे तो बहुत, मैं भी देख रहा हूँ जो मोहब्बत कर रहे हैं या फिर पहले कुछ और था, अभी कुछ और है रियलिटी। उन लोगों को पता होने के बाद इंसान चेंज होता है, तो वैसे भी लोग हुए, तो उन लोगों को थैंक यू। अपना ऊपर का बेडरूम साफ नहीं करते हुए हमारा वीडियो बना रहे, तो उनको भी थैंक यू। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे बुरा कमेंट करने वाले लोगों के लिए ना जवाब भी देते हैं, दिल से शुक्रिया सही में। और ना उन लोगों को भी दिल से बहुत सारा शुक्रिया जो ना इतने हेट कमेंट्स के बाद भी उन लोगों को रिप्लाई देते हैं और जवाब देते हैं कि आप लोग ये सारा गलत कर रहे हैं, हमको स्पीड लगते हैं। हाँ, अच्छा पैसा देती हाँ, हाँ, यार वो लोग पहले हम लोग पे नेगेटिव वीडियो बनाते थे, कुछ याद आ गया, अच्छा बोलने लगे, याद आ गया। किसी ने ना कुछ बोला था क्या तुम लोग को, मैं बताता हूँ यूट्यूब यूट्यूब कैसा खेलते, तो मैं ना ओपनली चैलेंज आज वापस कर दूं भाई ऑफिस करके दिखा। फिर वो जो ऑफिस ऑफिस खेल गया, मजा दूंगा तुम लोग। चलो गाइस, तो आज का ब्लॉग मैंने नहीं, हम लोग का ना एकदम अनप्लान्ड था, बस मैं आई थी, हम लोग यहाँ बैठे थे, हम लोग मिलने सलाम करते, मैंने सलाम करने सलामती, हम लोग मेरी बात भी बहुत था, मेरे को बहुत इतना बोल चलेगा बोलना, कौन सी गर्म लकड़ी से सांस मारती है, कौन सी चाकू लेके सुई पोंछती है, चटके लगाती है, बोलो ना। इसको लिटा देते हैं और उसके बाद पत्थर मार देते हैं, बर्फ की सिली पे लिटा देते हैं। ए, दो किलोमीटर दूर से पानी भरवा के लेकर आती है, ठंडा सिलबट्टा ला के रखी उसके लिए, जो एक हम लोग का था ना कि मैं पूरा दिन बिजी रहती थी, टाइम नहीं मिलता था, किचन में दिखती थी आप लोग को, आप लोगों को अभी वो पता नहीं, हम लोग वीडियोस बना रही है, जब बनाएंगे ना तब पता चलेगा। फर्स्ट हाफ चीजें चेंज हो गई है, एक दिन मेरी फर्स्ट सेकेंड हाफ छुट्टी रहती है, एक दिन सभा की, मतलब 12-12 घंटे 10-10 घंटे हम लोगों से छुट्टियां मिल रही है, हम लोग की मर्जी, हम अपना रूम साफ करें, टाइम पास करें, घूमने जाए, मजे करें, तो मजे चल रहे हैं, घूमने भी जाते हैं, हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। वही तो कह रही थी आप लोगों को लग रहा होगा वो एक स्टॉप हाई के लिए रुका हुआ है, अब वो अंदर दे, जब भाई क्या उसके अंदर दिल में आएगा तो करेगा, कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी मैं यहाँ पर आके बैठा तो तुम लोग को लगेगा कल मैं वीडियो डाल दूंगा, नहीं था उसके बाद आप की वाट लगाएगी, अरे इसलिए लोग इतनी वीडियो मैंने लिया लोग वीडियो में। भाई मेरी ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है इनसे, अच्छे वाले के ना हम लोग रहे, वीडियो चालू रहे, बंद रहे, नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, तो उसके जिम्मेदार हम है, उसके लिए ना आपा को बोले, ना रियाज को बोले, ना जीनत को बोले, हम लोग फैमिली है, बोलेगा मेरे को बोलो, हम लोग फैमिली है, साथ में रहते हैं, जो मैं बोल रहा था ना बात कर गई, हैंडल होता है, हैंडल भाई का, भाई का हैंडल कर रहा है तो वो वही डालेगा उसकी, हाँ और मेरा डिसीजन है, ये मेरे को सजेस्ट करेंगे, बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कर 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 कैसी आजादी है कि जिन्नत को जो करने का है ना वो करे, जिंदगी है ठीक है, फैमिली है, लेकिन वो फैमिली ना सपोर्ट करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए नहीं है, ये चीज हम लोग के घर में पहले से है, तो आजादी है, इसलिए जीनत अपनी मर्जी से अकेले रही, अब आ गई अपनी मर्जी से आई, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दिखाया, तो वैसी जैसा मेरे को वीडियो निकाल लेगा, मैं नहीं डाल रहा हूँ, जब चालने करेगा डालूंगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि झगड़े फसाद कर रहे हैं हम लोग, बात करता नहीं, लेकिन आप करी दू 5-10 हजार व्यूज आ रहे हैं ना, अपने ना खाली हाई करते कि ना अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे
रोस्टर नहीं आना चाहता ऐसा रोस्टर नहीं आना चाहता मैं तो रोस्ट करूंगा नहीं आना क्यों आएगा तुम्हारे वीडियो के अंदर से ना बहुत सारे जयपुर अगर मैं वो पकड़ के बैठा ना जो आप लोग के साथ शो हो रहा है ना वो बस अभी कपिल शर्मा की बात में नॉर्मली बता रहा हूँ वो आता है हंसाने के लिए और जाता है कपिल शर्मा की रियलिटी नहीं पता आप लोग को मैं खाली बताया वैसे भाई की रियलिटी नहीं पता आपको आगे एंटरटेन करता है उसके आड़ी तीढ़ी बातें भी आप लोग को सुनने पड़ेगा ऐसी मोहब्बत से रहता हूँ उसके बाद मैं छपड़ी ऐसी भाषा वैसी भाषा जब मैं अपनी असली वाली भाषा पे आ जाऊंगा तो वो कहाँ जाएगी तुम्हारी हर इंसान भी होता है मैं नहीं निकलना शैतान भी होता है हर इंसान में एक साधु ही नहीं बसता लेकिन हमने कभी भी आज तक किसी की बुराई करके अपना कॉन्टेंट खुश होना ये मैं अपने लिए करना चाहता हूँ किसी और के लिए नहीं घर में राशन डालने का हाँ देखो पता चला मैंने काम मिला किए भी एकदम मस्त माशाल्लाह हम लोग है ना ये गेम खेल रहे घर में मंगाए है मस्त वाला टीवी में लगाए ले और पूरा रमजान लो बिना काम किए कितने जोड़ी खरीदे 10 जोड़ी ईद के टाइम पे मैंने 10 जोड़ी खरीदी पहले ऑलरेडी मैंने 7 जोड़ी ले चुकी जब मार्केट में अफवाह चल रही है 10 जोड़ी खरीदे लोग अफवाह फैलाने छोड़ के चले गए दूसरा है तो तू बर्थडे में ऐसी साड़ी क्यों पहनी थी बेचारी तू अगर कभी कोई ऐसा भी अभी रेल चले करेगा ना तो अनुमान से कोई यूट्यूब पे अपडेट आया मेरे माँ बाप से बढ़ के ना मुझे चैनल भी नहीं है वीवर भी नहीं है मेरी फैमिली से बढ़ के कोई नहीं है ठीक है ना चैनल है ना वीवर है अब लोग उकसाने के लिए बोलते हैं तेरा बाप अगर बर्थडे में आया था तेरे अब्बा अगर बर्थडे में आया तो दिखाई भी तो है कौन अभी हम लोग का घर अभी हम लोग का घर पकड़ने वाला नहीं है ऐसा दबाने वाला नहीं सबको अपने वो तो हमारे अब्बा है भाई उन्हें सिखाया वो अंदर घुसते जान क्या बोले भाई मेरे को सपोर्ट मत दे मैं आया हूँ बच्चे के और सच बोल रहा हूँ मैं हाँ झूठे बोल रहा जितना आजम के बर्थडे में अब्बा ने रुके ना गोल बटन के फंक्शन में भी रुके थे गोल बटन के फंक्शन में भी आप कार पर सकते हैं वली में भी आए थे ये बात हमने बहुत बार क्लियर कर दी है अभी और भी लोगों को समझने हैं और मैं भाई यही बोलूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से जिसके भी या यूट्यूब पे हो या कोई भी बिजनेस में हो आगे बढ़ रहा रहेगा ना इंसान तो वो ना सैंडो बनियान पहनना चालू कर दे क्योंकि अगर हम अस्तित्व वाले कपड़े पहनेंगे तो साफ निकलते हैं और एक चीज बोलना चाहूंगी ताकि इसके बाद गुंजाइश तो बची रहती कुछ ना कुछ बाकी रहेगा आप लोगों पर बोलने के लिए तभी बोलेंगे कि आप बड़े बड़े बटन में आ गए हैदराबाद में शादी में आ गए तब तो टाइम में प्रॉब्लम नहीं थी एनिवर्सरी में आया तब आने में प्रॉब्लम अभी हो रही है हाँ हो रही है तो प्रॉब्लम कभी भी किसको भी कुछ भी होती है मैं तो वीडियो बंद कर सकता हूँ तो मेरे अब्बा की मर्जी है उसकी भाई नहीं आते हमने एक झलक उसमें ले लिए थे तो वो भी उनको जाकर बर्थडे में भी अब्बा दिखा ले झूठा सच की बात नहीं रे जो लोग ना चाहते हैं ना देखना वो लास्ट तक दिखा नहीं वो अजम अजीम करने ऐसा रेगिस्तान में प्यासे को समुन्द्र दिखने लगता ना दरिया दिखने लगती झील दिखने लगती है वैसा हेटर लोग को अपनी खामियां नहीं दिख रही वो अजीम करके ना खामियां देखने लगे इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगी एक बात देखो बोलने वाले ने तो बड़ी बड़ी हस्ती को नहीं बख्शा ठीक है तो हम क्या चीज है अगला आला हम लोग पीने में यूट्यूबर है जान ले नहीं समझ पाया नहीं अरे उसने बड़े बड़े यूट्यूबर रिएक्ट नहीं करते ये लोग गलत फैमिली है इन लोग के हम लोग के पीछे पड़े बोलने भी नहीं देते
चैन से बदला भी नहीं करने देते हाँ हम लोग गलीज है जो हम लोग के साथ जैसे होता है हम उनके साथ वैसे ही होते हैं। सच बताओ नहीं हुए नहीं हुए। अभी तक हम लोग ने आपा को हमने आजादी दी कि यार तू थोड़ा सा निकाल ले हम तो हुए ही नहीं है। और मैं इसलिए नहीं हुई कसम से मैंने देखा ही नहीं कुछ इसलिए मैंने दिया। अगर अब ऐसी वाली पे आ गया शाहरुख खान मैं सचिन तेंदुलकर हूँ मुझे बोला गया ना कि वो शाहरुख खान को इतना आला वाला बोलते मोदी को इतना आला वाला बोलते हो किस गरियाबी का तू आजा तू उसके मैं आऊंगी आपा को आजादी है भाई आपा को हमारे घर में आजादी है भाई कोई कुछ बोला गा तो तेरे को कुछ बोलने का बिंदास बोल मैं मोदी नहीं मैं कुछ नहीं रह सकती फिर वो दिल में रख के मैं कुछ नहीं रह सकती आप लोग मेरा ब्लॉग बंद हो जाएगा। अच्छा अभी चलो बाय करते हो गया कितने मिनट का जैसा की आप लोग हमको देखना चाहते है तो दो गेम होता था ना बचपन में ट्रूथ ऑन डेयर तो उसमें ट्रूथ क्या होता है पहला फुटबॉल वाला गेम था वही बोलो ट्रूथ ऑन डेयर होता है ना गेम तो ट्रूथ में क्या होता है कि तू अपना ये बता तू अपना वो बता तो हम लोग ट्रूथ नहीं खेलते हम डेयर करने के लिए तो डेयर में क्या होता है कि भाई ये चैलेंज दिया आपको ये कर लो ये चैलेंज दिया ये कर लो मैं एटलीस्ट ट्राई कर लूंगा समझे तो ट्रूथ एंड डेयर में आई एम डेयर वीडियो भी बन जाएगा कुछ मजा भी आएगा चैलेंजेस यार ने जैसे भी बोला भाई चैलेंजेस तो ये चीज अपने अंदर बहुत पहले से था धमाल भी था मजा भी था कंपटीशन होते थे मैं बोल रही ना आप लोग ना सब खुल के चाहिए थे खुल के मैंने ना और चैनल जितना खुल के मैंने जीव ना शायद मैं स्ट्रीट फूड में भी उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करी जिस तरीके से मैंने फूड कॉम्पिटिशन रखेंगे प्राइस रखेंगे भाई पनिशमेंट नहीं रखेंगे लास्ट टाइम पे क्या करते थे जो हार सो गाइस हमारी बैटरी फिर से खत्म मतलब फोन की बैटरी फिर से खत्म हो गई थी तो सब लोग भाग गए अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बोलने के लिए रुको बोला तो बोला चार्जिंग होने तक हम लोग बैटरी में अभी तुम लोग अल्लाह हाफिज बोल देना तो कुछ बोल रहा था तू कोई तो कुछ बोल रहा था कुछ बोल रहा था गेम हम लोग बोल रहे थे गेम जैसे लास्ट टाइम पे हारने वाले को पनिशमेंट देते थे ये बाजी जीतने वाले को अल्लाह हाफिज वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर मत करो अरे ना इंतजार क्या करो थोड़ा पेशेंट रखा करो कुछ भी पूछते हो ना तो हम पे अगर विश्वास है तो थोड़ा पेशेंट किया करो अगर पेशेंट नहीं है तो प्रूफ मत मांगा करो नहीं देखो हमसे क्यों मांग रहे हैं यार जज क्या बोलता है केस चलो था ना जिसने ना केस पे इल्जाम लगाया ना कि भाई आरोपी ये है तो पहले साबित करो ठीक है कि ऐसा नहीं कि किसी ने भी इल्जाम लगाया तो उठा लो पहले तो सबूत लगता ना भाई तो कोई कुछ बोल रहा ना तो उससे पूछो कि भाई तुम ये किस बेस पे बोल रहे हो क्योंकि एक कंक्लूजन किस बेस पे निकलता मालूम क्या पहले इसकी स्टोरी पूरी चेक की जाती है और उसके अंदर कोई प्रूफ नहीं रहता ना तो जब तक इससे क्रॉस केस नहीं होता है इसके पास कुछ प्रूफ रहने के बाद इससे क्रॉस चेक होता है कि भाई ये ऐसा ऐसा सीन है अब तेरी बात क्या है तुम लोग यहाँ से सुन के आते नहीं के सबूत दो साबित करो जज क्यों साबित करेगा यार कोर्ट में हकीकत में पहले कुछ भी केस दर्ज करने के पहले ही अपने को प्रूफ लगा के चिपका के केस को रजिस्टर करना पड़ता है प्रूफ लगता है तो ऐसा बाद में कार्रवाई होती है प्रूफ की बिना बेस पे और जबकि आप गलत साबित हो रहे हो किसकी भी शादी में किसी को भी दुल्हन बना दे रहे हो और किसके भी फंक्शन में अब्बा नहीं है लेकिन जबकि है और उसके बाद भी माफी नहीं मांग रहे हो कि हाँ मैं गलत वीडियो बना रही हूँ अरे मैंने बेवकूफ बना दी तुम लोगों को और उसके बाद भी लोगों को बोलो कि ये लोग बेवकूफ बना रहे सब्सक्राइबर लोग को है ना माफी खुद नहीं मांग रहे और बोल रहे कि यही बना रहे जबकि खुद बना रहे मत करो ये करो अच्छे से करो लेकिन सब्सक्राइबर तुम्हारे आंखें क्यों नहीं खुल रही अच्छे से अच्छी जगह वोट दो पर एक लास्ट चीज बोलूंगी जल्दी चार्जिंग गाइस उसके बाद फोन वापस नहीं उठाओगे अगर बंद हो गया तो मैं को तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मेरे घर वालों को वो 10-15 दिन भी अगर आप लोगों की वीडियो देख के तकलीफ हुई है ना
मैं इंसान हूँ, मैं बोलूँगी वो तकलीफ अल्लाह आपको भी नवाजे। अगर आपको लगता है आपने हमें सही किया, अल्लाह वो सही आपको भी नवाजे। मैंने तो पहले भी और ये मैं एकदम दिल से बोल रही हूँ गाइस, एकदम दिल से, क्योंकि बिला सेम टू सेम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो अच्छा आपको भी नवाजे। इतने अच्छे ना मेरे नसीब, इतने अच्छे ना जिसने मेरे को जिंदगी में तकलीफ दी है ना, उसको तकलीफ आती है और वो ऐसी नहीं आती कि मेरे पीठ पीछे, वो तकलीफ मेरे को खुद को दिखती है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान ने अपनी बोली ना इबादतों में अल्लाह से दुआ की, जिन्होंने मेरे साथ जितनी अच्छाई की है, जो उनको लगता है किए उन्होंने, वो अल्लाह हम सबको रिटर्न में डबल लौटाए। भगवान नहीं देते गाइस, ये दिल की बात है। क्यों मुझे जख्म नहीं होगा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने लिटरली मेरी माँ को परेशान देखा उन दिनों। और कहीं ना कहीं मैं खुद को ब्लेम दे रही थी कि मैं तो नहीं देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे देख के मैं खुद को ब्लेम दे रही थी। और जिन लोगों ने मुझे इस तरीके से सोचने पे मजबूर किया, अल्लाह उनको उन अच्छाई जो उनको लगता है वो अच्छे, उनकी अच्छाई का 70 हिसाब से गुना ना 7,000 गुना रिटर्न करेगा इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अमीन सुम्मा अमीन। और मेरे अच्छे सब्सक्राइबर मतलब हमारी फैमिली का हमेशा अच्छा सोचने वाले, हमें दुआ देने वाले, अल्लाह उनको हमेशा अच्छा। जिससे ये वीडियो लास्ट तक के देखा रहेगा ना, मेरे को कमेंट करना, मेरे को भी पता चल जाए कौन है वो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपके घर में रोजी रिज़्क हमेशा बरकरार रहे यार, दुआ दे, अच्छी अच्छी दुआएं दे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम लोग खुश है, वरना हमारे आप लोगों ने इतना हिम्मत दी हम लोगों को, हमारा साथ दिया, हमारे साथ बने रहे, हम पे विश्वास अटूट विश्वास रखा, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। अरे मेरी तो मेरे तो भाई नजदीक में ही एक औरत थी, तो मेरे नजदीक में ही औरत थी, और आप लोग जानते हो उनको, वो काफी हमारे बार वीडियो में आ चुकी है, वो उनके पास जाके ना हमारी इन्फॉर्मेशन निकालने की और कुछ नहीं समझना तो बुराइयां करती है। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि जीनत तुम्हारे यहाँ ऐसी एक औरत है, वो आके ना तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझसे निकालती है। मैंने कहा अच्छा, उनकी लड़की भाग गई, ठीक है, छोटी सी बच्ची दुनिया में देखना पड़ता है। सुनो तो मैंने ना जब वो मेरे पास आके रोने लगे ना, क्योंकि मोहल्ले में थू थू हो गई, तो मैंने उनको सहारा दिया, पानी पिलाया, क्योंकि उनके हस्बैंड भी उस वक्त उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनको अपने घर लिया, सहारा दिया, रातों में बैठ के उनसे बात की, और माँ को गलत, हाँ मेरी माँ को गलत कह रहे थे ना, वो दर्द तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब आपकी बेटी के साथ गलत होगा ना। ये सारे दर्द तुम झेलो, ये मैं दिल से बोल रही हूँ, तकलीफ नहीं और नहीं उनकी बेटी, सुनो उनकी बेटी मुझे परेशान करेगा ना, नहीं जैसे मैं तड़पी वैसे उनकी बेटी तड़पे, जैसी मेरी माँ तड़पी, परेशान नहीं करना कोई भी, सुनना, जैसे मेरी माँ तड़पी वैसे तुम तड़पो, जैसे मेरे भाइयों की जान जली, ये लोग मुझे बहुत प्यार करते, वैसे तुम्हारे बाप भाइयों की भी जान जले, जैसी मेरी बहन रोई रातों में कॉल करके मुझे, अल्लाह ने तुम्हें बहन नवाजा तो वो भी वैसे ही तड़पे, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये लोग तड़पे। मेरा दर्द बोलते हमारा तो कुछ है ही नहीं, खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ना ये है ना वो, ना वो, ना वो, ना वो, आखिरत आखिरत पे यकीन है, आखिरत पे यकीन है। और जो लोग मुझे कहते हैं बहन सुधर जा, बहन जब मैं यूट्यूब पे आई थी, अल्लाह धीरे धीरे ही हिदायत देता है, मैं जींस टी शर्ट पहनती थी, आज मैं शलवार कमीज हिजाब करती हूँ और बाकायदा नकाब पहनती हूँ। अल्लाह मुझे धीरे धीरे रास्ते पे ला रहा है, आप अपना रास्ता देखो और अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। ज्यादातर लड़की लोग को मेरे भाईजन जैसा भाईजन मिले, क्या बोला सुनी नहीं तूने, याद ने नहीं बोला के धुला मिले, याद ने बोला भाईजान मिले, ऐसा पता चला आज ही इंस्टाग्राम पे लाइन लगती थी। चलो तुम लोगों को ऐसा भाईजान मुबारक, बाय, लव यू, लाइक करो। मेरा भाई बहुत तकलीफ में चल रहा है, इसको इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है कि अनस तुम्हारा निकाह हो गया, तो तू बता भाई, अनस भाई अपना छोटा पापा है, खाली वो थोड़ा सा ज्यादा है, वो पढ़ाई कर रहा है यार, उसकी पढ़ाई चल रही है यार, मैंने बोली ना बच्चा हो ये अपना, क्या बोलता है वो, क्या बता पांडे हो तो बता ही रे बाबा, कवारा बच्चा एकदम कवारा एकदम पांडे। हां जब अनस भाई की शादी होगी या निकाह होगा ये सब पहले बताएंगे हम लोग, अभी 4 दिन पहले तो आगे का हुआ उसका, कोई अच्छी लड़की है तो, लेकिन माशाल्लाह से इतनी उम्र में जाके उम्र भी हो गया, जिम ज्वाइन करे हुए भाई, फिटनेस, अरे वो टी-शर्ट अभी लूज हो रही है उसको, 1.5 घंटे का वीडियो बन रहा गाइस, ये 1.5 घंटे का, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।
अरे अच्छी रह गई यार, हर चीज की कॉपी करो लेकिन घर की बाल की ये मत करो, इतना भी मत करो कि इंसान सोचने में मजबूर हो जाए। स्ट्रीट फूड जायका एक है, दो है, चार है, छह है, कितने कॉपी हो सकती है, कभी कर सकते चलेगा। सही बोली ना यार, सही बोली ना मैं, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह कंफ्यूज हो जा रहे व्यूअर्स, कंफ्यूज हो जा रहे। मैं नाराज नहीं हूँ, सच बोलूंगा मैं, ये चीज में नाराज नहीं हूँ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि कोई तुम्हें आइडल मान रहा है दिल से। हाँ तो कहीं ना कहीं करो यार, अच्छा रोजी तो अल्लाह की देन है। अरे भाई कुछ बोलना चाहते ऐसा कुछ निकाल नहीं, अरे बिरयानी का, अरे यार मैं दालगोश खाने आज घर में दालगोश बना है, दालगोश कहा जाया सुनी नहीं। अच्छा गाइस माफी, डेढ़ साल का एक साथ बैठते हम लोग ऐसा लग रहा बात के लिए जा रहे हैं। मैं तो एक महीना पूरा एग्जाम किया है, इसने ही बोला मैं वीडियो चालू कर, मैं वीडियो नहीं चालू कर रही थी, इसने मुझे बोला वीडियो चालू कर आपा ब्लॉग बना, और इतना लंबा बात हुआ है माशाल्लाह, आप लगता कोई गुंजाइश नहीं है आप लोगों पर सवाल करने का। अच्छा मैं अभी डिसाइड नहीं किया हूं वीडियो कब बनाऊंगा, अच्छी बता रहा हूं, परेशान मत करना आप। हां भाई गाइस बाय, सच्ची बाय बाय।